أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हम सबसे पहले बेस थ्योरम डिस्कस करेंगे और बेस थ्योरम डिस्कस करने के बाद इस पर दो तीन क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि हम हर एक थ्योरम में हर एक क्वेश्चन में हम पहले गिवन और फिर रिक्वायर्ड और आखिर में हम प्रोसीजर की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम फिर प्रोसीजर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 212, थ्योरम है 6.11 और इस थ्योरम का नाम है बेस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट इस तरह है कि इफ द इवेंट्स A1, A2 अप टू AK फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, दैट इज द इवेंट AI आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड देयर यूनियन इज S, एंड इफ B इज एनी अदर इवेंट ऑफ S सच दैट इट कैन अकर ओनली इफ वन ऑफ द AI अकर देन फॉर एनी आई। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं। इफ द इवेंट्स, अब हमने इवेंट्स को तफसीलन पढ़ा था। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अप टू K, यानी पांच, दिमाग में 5-6-10 तक रख ले। ये इवेंट A है, B है, A1 है, A2 है, A3 है, यानी पांच किस्म के इवेंट्स हमारे पास है। फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S, ये मुकम्मल जो हमारे पास सैंपल स्पेस आता है उसकी वो पार्टीशन कर दे। तो पार्टीशन मैथमेटिकली एक टर्मिनोलॉजी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, देट इज। तो यहाँ पर भी वो आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे रहा है कि पार्टीशन क्या होता है। द इवेंट्स ए आई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 किस्म के A1, A2, A3, A4, A5 है, तो तमाम इवेंट जो है A1, A2, A3, A4 एंड A5 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, का मतलब ये कि डिसजॉइंट हो गए, इसमें कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी। एंड देयर यूनियन इज S, और इन तमाम का जब हम यूनियन लेते हैं तो इसके इक्वल आता है। तो ये जो दो लाइन हमारे पास आ रही है, दो चीजें आ रही है, दो डिफिनेशन आ रही है, इससे भी हमें पता चल सकता है कि ये पार्टीशन की डिफिनेशन है। यानी A1, A2, A3, A4, A5 ये हमारे पास डिसजॉइंट है, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है और इसका जो यूनियन है वो S के बराबर आता है। मजीद चलते हैं, वो कहते हैं एंड इफ बी इज एनी अदर इवेंट, वो कहते हैं अगर हमारे पास छठा कोई इवेंट है S में, सच देट इस तरह के इट कैन अकर ओनली इफ वन ऑफ द AI अकर। वो कहते हैं बी तब अकर होता है जब A1 अकर होता है या A2 अकर होता है या A3 अकर, यानी इनमें से एक भी अकर हो जाए तो बी भी अकर होता है। देन फॉर एनी आई, आई यहाँ पर हमने 5 तारीख लिए, यानी I equal to 5, 1, 2, 3 up to 5 लिया है। तब क्या होगा? तब probability of each AI given by B is equal to probability of AI into probability of B given AI divided by summation I from 1 to K probability of AI into probability of B given AI होगा। और यहाँ पर I हमारे पास है 1, 2, 3 up to K। तो कंफ्यूजन से दूर होना, ये तो जनरल चीज है ना, तो हम अपने लिए थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। यानी आई इक्वल टू 1, 2, 3 या 4 या 5 तक ले सकते हो तो थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मगर असल में ये थ्योरम है और थ्योरम दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जिस पर अगर हजारों साल भी गुजर जाए कोई भी इसमें एक पॉइंट का भी इजाफा नहीं कर सकते। तो थ्योरम जो होता है वो स्ट्रांगेस्ट रिजल्ट होता है। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ तक लिया है के, यहाँ पर आप 5 भी ले सकते, 10, 100 जितना भी हो हम ले सकते हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ गिवन चीजें थी और ये गिवन चीजें है ये, और ये रिक्वायर्ड है। अब हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ। इसका प्रोसीजर हम जब शुरू करेंगे तो बाय द मल्टीप्लीकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज वी हैव, हम ऑलरेडी मल्टीप्लीकेटिव लॉ पढ़ चुके हैं। तो मल्टीप्लीकेटिव लॉ में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब यहाँ पर उसने आई लगा दिया है
तो आई इस वजह से लगा लिया है कि यहाँ पर हमारे पास जो गिवन इवेंट्स है वो एक नहीं है, ना दो है, ना तीन है, ज्यादा है, मोर देन वन है। तो इस वजह से उसने ए आई लगा दिया है। तो लगा सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी। और इसकी दूसरी डिफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए आई आल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। ये कहां से आप सीख सकते हैं? ये हम ऑलरेडी मल्टीप्लीकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर अगर हमारे पास लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल है तो ऑटोमेटिकली राइट और राइट भी हमारे पास इक्वल होंगे। तो यहां पर आप देखें लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट और। अब इसमें हम थोड़ी सी आगे पीछे कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन, ये बस आपस में, ये आपस में ये जो है ये चीज आपस में बराबर आ गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी हमने इधर ही रखा है और इसको उस साइड पर ले जाएंगे तो इसकी हम इसको तकसीम के फॉर्म में लिखेंगे, डिवीजन के फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई और होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चीज आ जाएगी। ये कहां से आ रहा है? ये मल्टीप्लिकेटिव ऑफ प्रोबेबिलिटी से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये चीज आ गई है। तो जब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इनटू ये ऊपर वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन जिसको हम नोमिनेटर कहते हैं, ये इक्वल आ गया। अब इस चीज को हमने इस चीज से रिप्लेस करना है। तो क्वेश्चन जिस तरह हमें पता चल सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर आपने खत्म करना है, तो इसको कंपेयर करके हम ले सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड भी हमारे पास आ गया है, ऊपर जो न्यूमरेटर वो भी आ गया है। अब हम आगे चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने शो करना है कि ये इस चीज के बराबर है। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम का सहारा लेंगे। इस वेन डायग्राम को भी अगर हम थ्योरम के साथ कंपेयर कर ले तो इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम का मतलब है कि एस हमारे पास टोटल यूनिवर्सल सेट है और इसमें ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव अप टू ए के हमारे पास इसके इवेंट्स है और तमाम देखे इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ए वन और ए टू में कॉमन नहीं है, फिर ए टू और थ्री में कॉमन नहीं है, फिर ए थ्री, ए वन और ए फोर में कॉमन, किसी में भी ये इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या अल्फाज देकर हम इसको डिजाइन भी कह सकते हैं, मगर डिजाइन लफ्ज सही नहीं है। तो आप स्टेटिस्टिक सीख रहे हैं तो स्टेटिस्टिक के लिहाज से आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और दूसरा ये है कि इन तमाम का जब हम यूनियन लेते हैं तो पूरे पूरे तो पूरे के पूरे एस सेट के बराबर आ जाएगा। तो क्या मतलब है, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए के इज द पार्टीशन ऑफ एस। तो यहाँ पर ये डिफिनेशन फुलफिल कर रहा है। अब उसके बाद बी हमारे पास एक और इवेंट है, यहाँ पर बी देखे, बी जो है हर एक के साथ इसका क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन अगर हम ले ले तो खाली नहीं आ रहा है, एम्प्टी नहीं आ रहा है। तो बी बजाते खुद इन सब के साथ इसका कोई ना कोई पॉइंट क्या है, कॉमन है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ सबके साथ कॉमन आ रहा है, बी इसका कॉमन आ रहा है। यहाँ पर लिखा भी बी इज शेडेड, बी हमारे पास जो है एक सेट है जिसका कोई ना कोई हिस्सा जो है किसी ना किसी इवेंट का साथ कॉमन आ रहा है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। We may write the event B as B equal to S intersection B. See the Venn diagram. अब B subset है और S universal set है। तो जब हम S और B का intersection लेंगे तो automatically आपके दिमाग में आ जाएगा कि B is smaller, तो इसका intersection भी smaller set के बराबर आएगा। अब B की जगह हमने यहाँ पर B लिख लिया है, equal की जगह equal लिखेंगे। अब S की जगह क्या आएगा, S की जगह आ जाएगा A1 यूनियन ए टू यूनियन अप टू यूनियन ए के, और इंटरसेक्शन जगह इंटरसेक्शन और बी की जगह बी आ जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप जो है ए वन इंटरसेक्शन बी यूनियन ए टू इंटरसेक्शन, ये कहाँ से आ गया है, ये हमने अप्लाई कर दिया इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए वन इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन फिर ए टू इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन फिर ए थ्री इंटरसेक्शन बी एंड सो ऑन, आखिर में आ जाएगा ए के इंटरसेक्शन बी।
यहां तक अब हमने कर लिया है। अब देखे each a i intersection b are also mutually exclusive। a i अगर हमारे पास each a i क्या है, mutually exclusive है, disjoint है, तो किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले ले तो वो क्या आएगा, वो भी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया। फिगर को देखें, देखें ये ए वन है और ये हमारे पास बी है, तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन हमारे पास आ जाएगा ए वन इंटरसेक्शन बी का। इसी तरह ये ए टू है और ये बी है, तो जब हमारे पास ए टू इंटरसेक्शन बी का हम लेंगे तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो कर्सर आपको दिखा रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा ए टू इंटरसेक्शन बी। तो देखे इस पोर्शन और इस पोर्शन में हमारे पास क्या है, जॉइंट नहीं है। जब जॉइंट नहीं है तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या मतलब है, मतलब इसका यह है कि यहाँ पर ईच ए वन इंटरसेक्शन बी या ए टू इंटरसेक्शन बी या ए थ्री इंटरसेक्शन बी एंड सो ऑन, ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब डिसजॉइंट होंगे। देखे ए वन इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन आएगा और ए फाइव इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन आएगा। तो देखिए इसमें कोई कॉमन चीज नहीं है, इस सेट का ये छोटा सा पोर्शन आ रहा है और इसका ये पोर्शन आ रहा है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तब हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट आप नोट लेके, ये आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसके बाद हमने इस पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बी है, ये देखिए ये बी इधर से आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू probability of a one intersection b plus probability of a two intersection b plus probability of a three intersection b and so on plus probability of a k intersection b आ जाएगा। अब mutually exclusive है, तो mutually exclusive होने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पर multiplicative law apply कर सकते हैं। देखिए हमने इस पर multiplicative law apply कर दिया है using the multiplicative law of probabilities, we may express each term probability of a i intersection b as probability of a i into probability of b given a i then। So, देखे अगर i equal to 1 up to 3, i equal to 1, 2, 3, 4 up to k है, तो देखे यहाँ पर आ जाएगा probability of b, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा probability of b, पहले से पढ़ा है, equal की जगह equal आ जाएगा, ए वन इंटरसेक्शन बी की जगह आ जाएगा, ए वन इंटरसेक्शन बी की जगह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन बी की जगह आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आई की जगह हम टू लगाएंगे तो यहाँ पर भी टू लगाएंगे, यहाँ पर भी टू लगाया जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टू। इसी तरह अगर हम I की जगह K लिखेंगे, अब इसके लिए हल करेंगे, अब जब हम बल्कि इसके लिए हम हल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की जगह प्रोबेबिलिटी, अब A I की जगह K लिखेंगे तो इधर भी K लिखेंगे, इधर भी K लिखेंगे, इधर भी K लिखेंगे, तो यह जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ A K into प्रोबेबिलिटी ऑफ B given A K। तो इसका अब ये देखें, इसका हम सम लेते हैं, इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ आ जाके A1, यहाँ पर A1 है, फिर A2 है, फिर A2 है, फिर अप टू A K है, ये A K है, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई, और यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू वन अप टू के। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। देखे इसको हटा लेंगे, सबके साथ हमने सम लिख लिया, तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर आई की जगह वन पुट किया, अब आई की जगह टू पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, probability of a2 into probability of b given a2 plus फिर आ जाएगा probability of a3 into probability of b given a3 and so on, आखिर में आ जाएगा यहाँ देखे i equal to 1, 2, 3, 4, 5 up to k है, तो आखिर में आ जाएगा, अब i की जगह k put करेंगे तो plus sign, ये summation की वजह से आ रहा है, तो probability of a k into probability of b given a k आ गया है। ये क्या, ये कहाँ सर है, ये हमारे पास आ रहा है probability of b की कीमत है, इसको हम इक्वेशन ए में पुट करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे तो इसकी जगह ये चीज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पर इसकी कीमत आ जाएगी और ये इसका प्रूफ है। किस चीज का प्रूफ है, बेस फार्मूला का या बेस थ्योरम का, ये प्रूफ आ गया है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, मगर यहाँ पर एक दो तीन चीज आ रही है,
जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ इसको भी डिस्कस कर लो. नोट, दिस रिजल्ट इज नोन एज बेस थ्योरम आफ्टर एन इंग्लिश क्लेर्जीमैन थॉमस बेस 1702 से लेकर 1761 तक. तो देखें, अब आप ये खुद सोचे कि 1702 में ये बंदा पैदा हुआ था और 1761 में ये बंदा वफात हो चुका है, क्या मतलब है? तो मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को हल करते हुए तकरीबन 3 सदियां हो चुकी है, यानी 260 साल हो चुके. कितने हो गए? 260, मोर देन 260 इयर्स हैज पास्ड. तो आप खुद सोचे कि हम कौन से ज़माने में रह रहे हैं कि 260 साल की से पहले वाली चीज़ें अभी तक हम पढ़ रहे हैं. We derive it and first use in a paper that was published posthumously in 1763. ये हमारे पास आ रहा है. तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही है. वैसे आपको समझा रहा हूँ कि अभी तक हम पुराने ज़माने में आ रहे हैं, हम 260 साल पहले की चीज़ें पढ़ रहे हैं. तो ये दिस इज़ नॉट कंसर्न विथ यू, डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट थिंक अबाउट दिस थ्योरम. ओके, गुड ऑफ लक.